हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छोटे बच्चों की आंखों से जो पानी आता है, क्या कीचड़ बनता है या गंदगी आती है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बताएंगे कि क्यों ये चीज़ होती है, मोस्ट कॉमनली क्या कॉज होता है, कैसे इस चीज़ को पहचाने और कैसे इस चीज़ को ठीक करें घर पे ही, और कब आपको हॉस्पिटल में या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो चलिए आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि हम बीमारी को समझें, एक बेसिक सी एनाटॉमी यानी किस तरीके से हमारी आँख का जो स्ट्रक्चर है वो बना है, उसको समझना है। तो अगर हम एक सिंपल सी आँख की बात करें या डायग्राम में अगर देखेंगे, तो हमारी आँख की बाहरी और ऊपरी हिस्से की तरफ टीयर डक्ट्स होते हैं, टीयर ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से आंसू बनता है। आंसू का मेन काम होता है प्रोटेक्शन के लिए और एक ल्यूब्रिकेशन के लिए, जो कि नॉर्मली हर किसी में बनता रहता है। यहाँ से फिर दो छेद होते हैं, अगर आप भी अपनी आँखों में देखेंगे नाक की तरफ, एक छेद ऊपर एक छेद नीचे, इसी तरीके से दोनों आईज में होता है, और ये छेद आपस में कनेक्ट करके एक मोटी सी डक्ट बनाते हैं जिसको कि हम लोग नेजो लैक्राइमल डक्ट कहते हैं। नेजो मतलब नाक, लैक्राइमल मतलब कि आंसू का जो ग्लैंड है या आँख, और उसके बीच में डक्ट। तो ये डक्ट आपस में जुड़ के नाक में खुलती है। ये आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम रोते हैं तो हमारे नाक बहने लगता है, या कई बार हम लोगों ने आँखों में दवाई डाली है तो उसका टेस्ट जो है कुछ देर में हमें गले में आता है। तो वो इसी पाथवे के थ्रू आता है कि आँख में डाला या आँख में आंसू आया, वो इन दोनों छेद के थ्रू नेजोलैक्राइमल डक्ट में गया, वहाँ पर स्टोर होकर, और फिर वो नीचे नाक में आ जाता है और नाक से गले में चला जाता है। तो ये एक बेसिक एनाटॉमी है जो कि हमें समझना ज़रूरी है। तो जब भी इस स्ट्रक्चर का ब्लॉकेज होगा तो आंसू ज़्यादा बनेगा या कीचड़ ज़्यादा बनेगा। तो सबसे पहले आंसू कब ज़्यादा बनेगा कि अगर जैसे हम लोग काजल बच्चों में अप्लाई करते हैं, तो ये जो दोनों आई के जो छोटे छोटे छेद हैं वो ब्लॉक होने का चांस है, जिसकी वजह से पानी या आंसू अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न होता है कि कंजनाइटल यानी पैदाइशी, कई बार ये जो डक्ट होती है वो बहुत क्लोज या पतली रहती है, या छोटे छोटे से मेम्ब्रेन की वजह से प्रॉपर तरीके से ड्रेन नहीं करती है, तो वो हो सकता है। और थर्ड वजह है कि जहाँ पे ड्रेन करना है यानी नाक में, जब भी इन्फेक्शन होगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगा या कंजेशन होगा बच्चे में, तब भी इसके सिम्टम्स मिलते हैं। अगली बात जो आती है कि किस तरीके से हम प्रिवेंट करें या क्या क्या चीज़ों करके हम लोग घर पर ही इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है अवॉइड काजल। बच्चों में काजल नहीं लगाना चाहिए, काजल लगाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, और बार बार इस चीज़ को मैं स्ट्रेस करता हूँ कि काजल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नज़र के लिए काजल लगाना है तो आप बच्चे के माथे पे या पैर पे एक टीका लगा सकते हैं, बट आँखों में नहीं। सेकेंड चीज़ जो होता है वो हमेशा बच्चे की आँख को साफ करने के लिए क्लीन क्लॉथ यानी क्लीन कपड़े का इस्तेमाल करना है। आइडियल ये रहता है कि अगर आप मार्केट से साफ कॉटन अगर ले लें, साफ़ करने का तरीका क्या है कि हमेशा अंदर से बाहर की तरफ साफ़ करना है, कभी भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं करना है, क्योंकि डक्ट यहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे के लिए साफ़ पानी सबसे अच्छा है कि उबाल के कुछ पानी को ठंडा करके रख लें, उसी पानी को यूज़ करके आप बच्चे की आँख साफ़ कर सकते हैं। ऐसा सुबह शाम आराम से करते रहेंगे तो बच्चे को भी आराम मिलेगा और आईज़ भी क्लीन रहेंगी। थर्ड जो होता है, जो मोस्ट कॉमनली डॉक्टर्स आपको बताते हैं, वो होता है NLD मसाज यानी नेजो लैक्राइमल डक्ट का मसाज। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कई बार जो ब्लॉकेड होता है वो कंजनाइटल होता है, पैदाइशी होता है। तो अगर आप इस चीज़ को मसाज अच्छे से करते रहेंगे तो वो जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे करके खुल जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि इसको खुलने में समय लगता है, 4 से 6 महीने तक लगते हैं अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, तुरंत रिजल्ट्स नहीं आते हैं। NLD मसाज कैसे करना है ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो अपने हाथ धो लें, और अगर मसाज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या ऐसा लग रहा हो कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो आप वैसलीन या ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप आई को मसाज करेंगे तो आई बॉल्स पे कभी भी प्रेशर नहीं देना, जैसे ये है इस तरीके से नहीं करना है। हमेशा जो प्रेशर रहेगा वो नोज़ के अगेंस्ट छोटी वाली उंगली से देना है। आपको सर्कुलर मोशन में उसको प्रेस करना है, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है, बहुत लाइट नहीं रखना है, और धीरे से उसको उंगली को नीचे नाक के एंगल तक लेके आना है। प्रेशर कभी भी आई बॉल्स पे नहीं लगाना है, अपनी छोटी उंगली लेनी है, और जहाँ पे मैंने बताया था उस डायग्राम में कि जहाँ वो डक्ट होती है या जहाँ वो ग्लैंड होती है, वहाँ पे आपको छोटी उंगली से प्रेस करना है नाक की तरफ, आँख की तरफ नहीं, नाक की तरफ प्रेस करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, बिल्कुल हल्के से नहीं, थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको जेंटली या तो राउंड राउंड सर्कुलर मूवमेंट में कर सकते हैं, या ऊपर नीचे करके मसाज करना है, और उसके बाद से उसको जो नाक का एंगल होता है यानी यहाँ जो होता है नाक का एंगल, उसकी तरफ लेके आना है। ऐसा आप रोज़ाना 3 से 5 बार करें, और एक सेटिंग में कम से कम 5 साइकिल्स इस चीज़ के करने हैं।
डेली अगर आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो डक ब्लॉक है वो ठीक हो जाएगी और किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को कब डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले वो चीज़ वाटरी थी लेकिन अब पानी के साथ साथ उसमें पस जैसा कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लग गया है तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। रेडनेस आ गई है आईज़ में या जो आईज़ है वो बहुत ज़्यादा सोलन है, तब डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो सिंपल सी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दी जाती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 5 दिनों के लिए, और उसमें इन्फेक्शन ठीक हो जाता है लेकिन ड्रेनेज को ठीक करने के लिए आपको मसाज करते रहना है। 90-95% बच्चों में ये खुद ब खुद मसाज के साथ और टाइम के साथ ठीक हो जाती है। परेशान नहीं होना है, सफाई रखनी है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, और आपको कब डॉक्टर के पास जाना है ये भी हमने बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत पड़ सकती है, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, नमस्ते।